देख सकते हैं, यहाँ पे डोली जा रही है महाराज जी की। हमारी किस्मत अच्छी है भाई जो हमें ये देखने को मिला है, बहुत लकी लोग होते हैं। देख सकते हो आप लोग ना भाई, आधे घंटे से खड़े हुए यहाँ पे मोमोज लेने के लिए। यहाँ से हम कर चुके हैं निकलना स्टार्ट, तो ये गाड़ी में हमारे दोस्त जा रहे हैं और हम जाएंगे बाइक में, तो मिलते हैं गाइस बाइक पे। वेलकम बैक टू माई ब्लॉग, और आज का जो हमारा ब्लॉग है गाइज वो है ट्रैकिंग का। तो हम रुके हैं अभी सैया में खाना खाने के लिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ हम कहाँ पे रुके हैं। देख सकते हैं गाइज ये सैया है, यहाँ से जैसे हम सैया से चक्रौता को जाएंगे ऊपर को इस रोड पे, तो इस रोड पे आते ही गाइज ये लेफ्ट में एक छोटी सी टपरी है, यहाँ पर हम हमेशा आके रुकते हैं जब भी हम कहीं पर ट्रैकिंग करने जा रहे होते हैं। तो ये हमारे साथ के कुछ दोस्त बैठे हैं और हमारी
गाड़ी यहाँ वहाँ पे हैं और अभी हमारा हो रहा है खाना तैयार। हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाना खाया है, तो अब हम यहाँ से निकलना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब गाइज हम यहाँ से निकल चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो ये हमारी गाड़ी निकलती हुई, बाय बाय, निकल चुके हैं। देखिए गाइज, तो ये हैं कुछ सैया के नज़ारे, देख सकते हैं आप। चक्रौता बाजार में, और ये देख सकते हैं आप आज का मौसम। यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी है इस पार्किंग में, और हमें थोड़ा बहुत सामान चाहिए वो लेने हम यहाँ पे आए हैं बाजार में। बाजार बंद हो चुका है, बट हमें लेनी है थोड़ी सब्जियाँ। तो गाइस व्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए चक्रौता का बाजार। देख सकते हो आप लोग ना भाई, आधे घंटे से खड़े हुए यहाँ पे मोमोज लेने के लिए। ये देखो भाई, ये दुकान है, ये लोग हैं और ये हमें, और यहाँ पे हमारा पागल बन रहा है आधे घंटे से। तो हमें फाइनली मोमोज मिल गए। अब ये देख सकते हो आप, आधे घंटे की मशक्कत के बाद, रुकने के बाद हमें यहाँ पे मोमोज मिले हैं। ठीक है भाई भाई, हम निकल चुके हैं चक्रौता बाजार से वापस। यार देखो बैंक, ये कौन है, कौन किसकी बात चल रही। हेलो जी। तो गाइस यहाँ पे मैं इंट्रो दे देता हूँ, ये है रोहिन भाई,
रजत, रमन और थापा जी हमारे, गौरव भाई। तो गाइस दो जने भी सामान लेने जा रखे हैं और हम निकल रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर, तो वीडियो में बने रहो यार। जब हम आ चुके हैं वापस जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है, हम जा रहे हैं गाड़ी की ओर और हमारे दो बंदे अभी आ रहे हैं पीछे से बाइक पे सामान लेने गए हैं गाइस ऊपर बाजार में मेन। तो हम लोग थोड़ा घूमने गए थे, घूम के आ गए भाई। तो गाइस ये है चक्रौता पे, ये देख सकते हैं आप चक्रौता का व्यू। तो हम निकल रहे हैं यहाँ से अपनी डेस्टिनेशन की ओर, तो ये हमारी गाड़ी मुड़ रही है, देख सकते हैं हम यहाँ से निकल चुके हैं। ओके भाई चलो अब रास्ते में अब। तो गाइस यहाँ पे हम निकल चुके हैं अपने साथ, चल चल भाई चल चल। तो भाई ये रहे, अब हम आ चुके हैं पहाड़ों में और इस टाइम पे गाइस जो हवा चल रही है ना यहाँ पहाड़ों में, बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो आप देख सकते हैं गाइस यहाँ का मौसम, टाइगर फॉल का। तो गाइस यहाँ से नीचे टाइगर फॉल का रास्ता है, अगर आप लोगों को टाइगर फॉल जाना है तो आप टाइगर फॉल के लिए यहाँ से मुड़ सकते हैं। और आपको गाइस जाना अब है लोखंडी, कोटी कनेश्वर और लोखंडी आप इस रास्ते से जा सकते हैं। रास्ता स्टार्ट होता है गाइस, आप मौसम देख सकते हो यार, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है भाई, कैंपिंग के लिए एकदम अच्छे मौसम में हम आए हैं। भाई आप देख सकते हैं प्रॉपर पहाड़ हो चुके हैं स्टार्ट, भाई देख सकते हो भाई साहब मौसम। गाइज ये देख सकते हैं यहाँ का व्यू, और ऐसे ऐसे व्यूज गाइज पूरे रास्ते में हैं, तो मैं सारे व्यूज तो आपको दिखा नहीं पाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप लोग जरूर यहाँ पे आके विजिट कीजिए एक बार चक्रौता में, और आप देख सकते हैं गाइज मौसम अभी नीचे इतनी गर्मी हो रही है ना भाई, और यहाँ पे मौसम इतना ठंडा और इतना अच्छा हो रहा है ना, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। तो गाइज चलिए निकलते हैं हम यहाँ से।
देख सकते हैं ये नीचे है ग्रीन हेवन रिजॉर्ट। तो यहाँ पे देखिए गाइस आ चुके हैं हमारे असवाल भाई जो हैं ओनर ग्रीन हेवन रिजॉर्ट के। तो गाइस ये देख सकते हैं आप नीचे, ये है रिजॉर्ट, देख सकते हैं आप यहाँ पे है ग्रीन हेवन रिजॉर्ट। तो गाइस यहाँ पे भाई ने अभी कैंपिंग भी स्टार्ट कर दी, यहाँ पे आप आके कैंप भी कर सकते हैं। तो ये नीचे रिजॉर्ट है गाइस। तो मैं आपको नीचे यहाँ पे थंबनेल में आपको मैं नंबर प्रोवाइड करा दूंगा। और ये भाई है हमारे असवाल भाई जो ओनर हैं यहाँ के। तो भाई अभी हमें लगी थी प्यास तो भाई ने हमारे लिए पानी मंगवाया है। तो यहाँ पे अगर आप लोग आ सकते हैं तो भाई असवाल भाई आपको पूरी डिटेल बता देंगे, नंबर हम आपको दे देंगे उनका, असवाल भाई का नंबर दे देंगे, तो नंबर करके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और गाइज जब बर्फ़ पड़ती है ना भाई स्नोफॉल में जब यहाँ पे आओगे ना तो अलग ही व्यू होता है, उसकी फोटोज़ मैं आपको वीडियो में आगे दिखा दूंगा, तो आप देखना। और भाई किस भाई से कॉन्टैक्ट करें अगर कोई भी कैंपिंग करने आना चाहता है या पहाड़ों के जो व्यूज़ देखने आ सकता है ना भाई, असली व्यूज़ भाई यहीं पे ही हैं, आके देखो यार एक बार। निकल चुके हैं ग्रीन हेवन रिजॉर्ट से अपनी डेस्टिनेशन की ओर। तो गाइस ये है रास्ता, तो भाई मजे लो यार मौसम के। पहुंच चुके हैं अभी लोखंडी, तो आप लोखंडी का व्यू देख सकते हैं मेरे पीछे, ये देखिए गाइस ये कुछ व्यू है लोखंडी का आप देख सकते हैं। और गाइस यहाँ पे आजकल कैंपिंग बहुत हो रही है, तो अब यहाँ से हम लेंगे टेंट वगैरह। तो गाइस ये कुछ व्यू है देखिए लोखंडी गाइस, गाइस देख सकते हैं यहाँ पे डोली जा रही है महाराज जी की। हमारी किस्मत अच्छी है भाई जो हमें ये देखने को मिला है, बहुत लकी लोग होते हैं। तो भाई देखो अब यहाँ पे सीन ऐसा हो गया, हमने टेंट वगैरह ले लिया है, एक गाड़ी में 6 जने हैं भाई और टेंट का सामान इतना ज्यादा हो गया।
गोल कहाँ करेगा, गोल तोड़ जाएगा बड़े भाई। अरे तो ऊपर थोड़ी अंदर रखेंगे। अच्छा अंदर रखेंगे फिर तो सही है। सामान ही लिया लो, इंसान छोड़ दो मार। चलो लेके अंदर। मेरी बारी है क्या अंदर जाने की? बैग भी ले लो। अंदर बैठ गया। आगे अरे वो ले ले, तू बैठ जा पहले, तू बैठ जा। अरे बैग दे। हाँ भाई, तो भाई देखो हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, फंस चुके हैं, फंस चुके हैं। देखो गाइस सामान बैठ जाएगा। ये दे। मैं भारी हूं अभी भाई, भाई पलौथी मार के बैठो, उसे पकड़ ले। अबे या तो सामान ही लिया ले या पांच रुपए दोबारा चला दे। अब क्या कहना चाहते हैं आप? या सामान ही लिया ले या बंदे लिया ले। ओ भाई, ओ भाई ये कहां दे रहा है आप? इसे मैट को भी गोदी में रख अपनी। चल इसकी गोदी में रख। की हंस हंस के लगी है, हमें देख रहा होगा बाहर से कैसे। ऐसा है कि हमने भर चुका है पूरा सामान गाड़ी में, तो ये देख सकते हैं आप सामान कैसे भरा हुआ पड़ा है पूरा। चलो लेट्स जर्मनी 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 है। ये देखिए सचिन सुपैया हंस हंस के परेशान हो गया। अगला भाई मेरी तो बुरी हालत हो रही है। क्या कहना चाहेगा मंसूर? एंकर गाड़ी में हूँ भी बैठा। अच्छा यार रखने की जगह कहना चाहोगे? क्या कहे बस बढ़िया। तेरी बहुत तेरी तो छुपाऊंगा बड़े भाई मैं। अब ये देख सकते हो भाई। अंशुल तुम कहो कुछ सर। मेरे को नहीं कहना भाई। ये देख लो यार क्या बकेती मार रखी भाई इन्होंने। भाई तेरे मजे बस। मुझे कुछ नहीं दिख रहा यार, कैसे चलाऊंगा मैं गाड़ी। भैया ने अपने आगे पहाड़ सा रख रखा। कुछ भी नहीं दिख रहा आगे, इतना कांतना होगा कैसे पता लगेगा। रजत पता कैसे? ओ रजत जहाँ होटल होंगे ना भाई वहाँ रुक जाइयो। आगे आगे हमें तो लग नहीं रहा पता बाहर का कुछ। हमें तो दिख नहीं रहा। अबे मुझे तो तुम भी नहीं दिख रहे पीछे यार। अबे मुझे नहीं दिख रहा, तू खुद नहीं दिख रहे हम। एक दूसरे की शक्ल नहीं दिख रही हमें। मुझे तो तुमने चला नहीं पीछे से भाई। थोड़ा 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 राइट राइट। हाँ चलो सीधे दो कदम चीजें। फटा किसका है ये बैग? भयंकर ना खतरनाक सा। अरे कोई नहीं आओ गौरव अकेला आओ। गौरव भाई ये सामान तो देख लो गाड़ी में। पहुंच चुके हैं यहाँ पे, हमने भी गाड़ी से सामान उतारा है, तो सबके सब बैठ के अभी आराम फरमा रहे हैं देख सकते हैं आप। और अभी हमारे फ्रेंड लोग आ रहे हैं जो हमें डेस्टिनेशन पे लेके जाएगा भाई, तो तब तक हम यहाँ पे उनका इंतजार कर रहे हैं। ये रोड देख सकते हो आप, यहाँ बेचारा थकार के सो गया एक। ये अगला तो फुल ही सो रखा बड़े भाई, थक गया बेचारा बहुत ज्यादा थक। ये देखिए अभी तक हम इंतजार ही कर रहे हैं। और ये देखिए गाइस इसकी दोस्त का फोन आया था अभी, और ये अब सो गया। वीडियो कॉल आया था, वीडियो कॉल आया था। ये साइड में गया था, साइड में गया था ये भाई, और अब आया और ये सो गया। कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना गाइस क्या हुआ होगा। तो जैसे अगर आप मुझे कमेंट ज्यादा आएंगे ना तो मैं उनको रिप्लाई करूंगा, उन्हें मैं सच बात बताऊंगा पूरी। अच्छा ये हुआ क्या? अरे रमन भाई ऐसे काम खुले में नहीं करते हमारे तोमर जी। तो यहाँ पे भाई सुपैया जी भी सोचे, यहाँ पे कट 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 कर दो है। यहाँ पे सब बैठ रखे भाई, थक रखे सो रहे हैं। पर भाई ये बंदा बहुत थक रखा है यार, देखो भाई बहुत थक, ज्यादा थक गया बेचारा। तो हमारे दो जने आ गए, अभी दो जने और बच रहे। तो अब यहाँ से कह रहा भाई कि यहाँ से ऊपर जाके 500 मीटर है भाई, ये भी यहीं लगा रहे टेंट। तो कौन राणा और भी यहीं लगा रहे टेंट हमारे साथ। अच्छा ब्लॉग में आइए जाइए। तो भाई ये क्या लेके आया हमारे, जरा दियो यार। दोनों के भयंकर बैर हो रहे।
तो गाइस ये देख सकते हैं हमारी बाकी पूरी टीम आ चुकी है अब यहाँ पे। और भाई नटराज भाई हमारे लाया पालम पुलम पुलम पालम पुलम सॉरी गाइस पुलम पुलम भाई पुलम पुलम तो ये आ चुकी चल रही है मैगी। अभी हम सब लोग खा रहे हैं मैगी। तो हमने गाइस गाड़ी से सामान निकाल लिया है, आप देख सकते हैं वहाँ पे सामान रखा है। अब हम निकलना स्टार्ट करेंगे यहाँ से थोड़ी देर में, तो जब हम निकलेंगे तब स्टार्ट करते हैं वीडियो।